इधर इधर पीछे खड़ा करो, साथ में पीछे खड़ा करो आप लोग भी। उस वक्त पर ये लोग जंगल में पानी के तालाब के किनारे बैठे थे, छुप कर बैठे थे और उसके ललकारने पर उन्होंने हमारे पीठ प्रहरी जो थे वन रक्षक उनके ऊपर फायर किया जिससे उसकी डेथ हो गई। इनको जंगल से गिरफ्तार किया है। ये लोग घटना के बाद से ही इधर उधर चले गए। इसके अंदर हमारी साइबर की टीम ने हमारी मुखबिरी के आधार पर फॉरेस्ट से गिरफ्तार सर एक बाघ का मूवमेंट भी वहाँ पे देखा गया है, कई वीडियोस भी वायरल हुए। क्या कहीं ये शिकारी कुछ बाघ के लिए वहाँ जाते थे, ये सब ये मेरी जानकारी है। सर ये चारों वीडियो जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो दो फरार वो भी इनकी दो लोग जिन्होंने गोली चलाई थी जिसने जिसकी बंदूक थी दोनों को हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि जब वहाँ बैठे थे तो दो लोग और थे इनके साथ में, उनको भी गिरफ्तार किया। सर जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी पुष्टि तो वन फॉरेस्ट वाले विभाग ने कर दी है? नहीं, जो वीडियो वायरल हुआ था उससे हमको ये सुविधा मिली कि आरोपियों तक हम तत्काल पहुँच सकते हैं और वो सही है कि नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन यस उससे हमको ये सहूलियत इन्वेस्टिगेशन मिली कि हम लोग। सर गन शॉट जो था वो बर्मा की था कि बारामूला का था? ऐसा प्रतीक होता है कि ये जो बंदूक है जिसका ये बर्मा कितने आरोपी उसमें पकड़ा है, कितनी बड़ी सफलता पुलिस की? देखिए उदयनगर थाना क्षेत्र में जंगल में जो वन रक्षक की हत्या की गई थी दो दिन पहले उसमें आरोपियों को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दो लोग हैं जिसमें मोहन पिता राय सिंह वास्किल और गुलाब पिता मल्ला रावत, इन दोनों लोगों ने गोली चलाकर हत्या की थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर ये क्या कुछ वेपन भी जब्त हुआ सर? हाँ, इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और उसके कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से जो अन्य सामग्री बरामद हुई है उनको भी हम फॉरेस्ट वालों को सौंप रहे हैं। सर हत्या का मूल कारण क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग वहाँ पर जंगल में छुपे हुए थे जंगली वन्य प्राणियों के लिए और शिकार के लिए वन्य प्राणियों के लिए, और जब हमारा फॉरेस्ट प्रहरी वहाँ गया दोस्त ने उनको ललकारा और उसके बाद उसने क्या कर। सर प्रोफेशनल शिकारी है क्या? इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि इनके पुराने प्रकरणों को निकाला जा रहा है। सर कुल कितने आरोपी हैं और कितने को गिरफ्तार कर लिया है? अभी तक की पूछताछ में कुल चार लोगों के नाम सामने आए हैं जो वहाँ पर उपस्थित थे। दो जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने बंदूक चलाई थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अन्य लोगों को इसमें तस्दीक सर बड़ा ही गंभीर अपराध था, 48 घंटे में टीम ने सफलता हासिल की, क्या कहेंगे टीम के लिए? इस पर पहले से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमने IG सर को रिक्वेस्ट भी भेजी है कि भेजी थी। अब इसमें टीम को इनाम घोषित दिया जा रहा है और आगे भी इस तरह की सराहनीय कार्य करें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। सर एक वीडियो जो है हत्या का लाइव वीडियो के नाम से वायरल हुआ था जिसमें आवाज़ें भी आ रही थी, कितनी सत्यता है उस वीडियो में सर, और क्या ये जो मृतक के मोबाइल की वीडियो बताया जा रहा है? उस वीडियो से हमें
जो आरोपी लोग थे उन तक पहुंचने में मदद मिली है, वो बहुत कारगर साबित हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।